आदरणीय दरबार में समाज के वरिष्ठ और युवक लोग, शायद हमें यहाँ पूरे समाज के लोगों को ही आमंत्रित किया और आमंत्रित करने का भी कोई ना कोई मकसद था। आज इस माता रानी का जो इतिहास कहीं ना कहीं हम लोग शिवाजी के वंश से माने जाते हैं और हम लोग कहते हैं कि तुलजा भवानी हमारी कुल देवी है, उसके कारण भी हम अपने आप को उस भवानी के पुत्र मानते हैं। और आज ग्राम हिवरा में कई सदियों से भवानी का स्थान था, लगातार इस स्थान पर कहीं ना कहीं बहुत सारे पुराने बुजुर्गों ने बहुत सारे प्रयास किए कि स्थान बने, लेकिन माता रानी ने कहीं ना कहीं गोलू जैसे एक नौजवान को आशीर्वाद देकर इस स्थान पर भेजा कि इस स्थान का निर्माण करो, और यह स्थान का निर्माण हुआ। और आज हमारे समाज को एक गर्व की बात है कि आज हम इसे अपनी भवानी माने तो ये समाज के लिए गर्व है। समाज का ही इसको, इसका संचालन भी समाज ही करे, इसका ट्रस्ट बनाए, इसकी समिति बनाए, समाज संचालन करे। और समाज सभी लोग यहाँ दर्शन के लिए आएंगे, लेकिन कहीं भी हम देखते हैं बहुत सारी जगह बहुत सारे मंदिर हैं और उन मंदिरों का संचालन करता कोई दूसरा करता, दर्शन करने तो बहुत सारे लोग जाते हैं। जब हम इसे अपनी भवानी मानते हैं तो हमारे समाज के लोग इसके एक संचालन समिति बनाए और इसके संचालन को अच्छे रूप से संचालित करें और इसको इतना प्रख्यात करें कि दूर दराज के लोग यहाँ पर उपस्थित हों। मैं जानता हूँ कि लगातार इस माता के आशीर्वाद से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे चमत्कार, बहुत सारे कार्य हुए। कई लोग इसको प्रदर्शित कर पा रहे हैं, कई लोग इसको प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज हम लोग एकत्रित हुए हैं और हमारे एकत्रित होने का भी कारण यही है कि आज समाज के सारे वरिष्ठों को, समाज के पुराने बुजुर्ग लोगों को यहाँ और नए युवा लोगों को बुलाने का भी मकसद यही था कि कहीं ना कहीं हम लोग इसके माध्यम से एकत्रित हो, समाज को एक अच्छी दिशा मिले, समाज के नए लोगों को इसका कम से कम एक ज्ञान हो कि हम देवी के माध्यम से हम एकत्रित हो, एक हम समाज को कहीं ना कहीं एकत्रित करने का एक स्थान है। और ये सब देवी का कारण है, माँ देवी के कारण हम सब लोग एकत्रित हुए। जरूर सब लोगों ने अपना समय निकाल कर आया, कहीं ना कहीं इसमें से एक आधा अनुपस्थित भी हो सकता था, पर आज ऐसी स्थिति बनी कि देवी ने सबको सहयोग बनाकर सारे लोगों को, जितनों को इनवाइट किया, प्राय प्राय सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। यह भी बड़े गर्व की बात है और सौभाग्य की बात है कि माता जी के आशीर्वाद के कारण हम सब लोग उपस्थित हुए। हम लोग यही चाहते हैं कि इस मंदिर का संचालन समाज के नए युवा लोग करें और वह युवा लोग इसका संचालन करने के साथ साथ एक अच्छा कार्यक्रम स्थान कार्यक्रम करें, कार्यक्रमों में भी समाज के लोगों का सहयोग लें। आज समाज के नाम से एक जाना जाना चाहिए कि हिवरा में हमारे समाज का एक भवानी का मंदिर है।